कितना खाली खाली हमारा स्टोर लग रहा है भाई लोग, मज़ा नहीं आ रहा। एक जादू की लाइन बोलता हूँ, क्या पता काम आ जाए। कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, भर जा मेरा स्टोर तभी ऑर्डर करूँगा मैं दोबारा। जे बात, भर गया हमारा स्टोर। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में जिसका नाम है सुपरमार्केट सिम्युलेटर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने स्टोर को यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सपेंड कर दिया था, जो कि शायद हमारा सेक्शन 7 तक का था। उसको हम लोगों ने लास्ट में अपग्रेड कर दिया था और हमारा स्टोर अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है। मैंने यहाँ पे ऑफलाइन खेल करके मैंने कुछ यहाँ पे सेल्फ को यहाँ पे लगा दिया है। ये हमारे प्लान का एक हिस्सा था, जिससे कि हमारे स्टोर में जितना भी आइटम्स अवेलेबल हैं वो सारा का सारा यहाँ पे कवर हो जाए। मतलब कि यहाँ पे पूरा पूरा फील हो जाए, कुछ बचा ना रह जाए और कहीं हम लोग को ट्रिपल या तो डबल लगाने जरूरत ना पड़े। तो बस इसी के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया और सारा का सारा आइटम हमारा एडजस्ट हो गया है। मतलब कोई भी हमारा बाहर का आइटम नहीं रखा हुआ है। और यहाँ पे गाइस, हम लोग पहले सिंगल सिंगल आइटम को ऑर्डर कर रहे थे और इस बार मैंने दो दो को, मतलब डबल डबल आइटम को मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है। और इसका जो अर्निंग है ना, मैं तो देख के शौक में हो गया गाइस, कि इतना भी अर्निंग हो सकता है। मतलब अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो आगे चल के हमारा अच्छा खासा अर्निंग होने वाला है। अभी तो शुरुआत में आप लोगों ने जो फुटेज देखा था उसमें आप लोगों ने देख लिया होगा कि कितना था। मेरे ख्याल से 14,000 कुछ था उसमें, ध्यान नहीं आ रहा। मैंने ऑर्डर करके सारा का सारा आइटम मंगा दिया। अभी हमारे पास है $777। सो गाइस, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो कार्यक्रम ये है कि आज हम लोग को सिर्फ और सिर्फ पैसे को अर्न करना है और अच्छा खासा हम लोग को मनी कलेक्ट करना है। मेरा जो कंप्यूटर था मैंने उसको उठा करके यहाँ रख दिया है। मुझे लगा कि कंप्यूटर यहाँ पर शिफ्ट ही नहीं होगा, लेकिन वो हो गया, तो इसको मैंने यहाँ पर कर दिया है। मुझे एक नया फ्रीजर को परचेस करना है, जो कि यहाँ पर लगेगा, जिसको कि मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। और हम लोग का फ्रिज का जो आइटम है, मेरे ख्याल से एक फ्रिज को मुझे परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ आइटम्स जो है उसको मैं डबल नहीं रख पा रहा था और कुछ कुछ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोग उसको भी परचेस करेंगे। सेल्फ का मेरा ख्याल से जब हम लोग नेक्स्ट को परचेस करेंगे ना, तब मैं सेल्फ को लगाऊंगा, क्योंकि अभी हमारा स्टोर लेवल जो है 41 हो चुका है और 42 पे वो अगला प्रोडक्ट लाइसेंस हम लोग परचेस कर सकेंगे। सो गाइस, और जो यहाँ पे ये 11,000 का सेक्शन 8 वाला जो है ये अनलॉक होगा, अगर टाइम रहा या पैसा रहा तो इसको मैं ज़रूर एक बार ट्राई करूँगा करने का अपग्रेड को। फिर और जो अभी हमारा जो बिल बन रहा है ना, अभी अच्छा खासा बिल बन रहा है, 110 बन रहा है। मैं सोच रहा हूँ अभी इसको स्टॉप कर दूँ, लेकिन क्या करूँ, इतनी चुल मस्ती है ना स्टोर को अपग्रेड करने का, तो वो तो बात की बात है, उसको हम लोग देखेंगे। सो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आज का हमारा शाउट आउट जाता है मिस्टर आदर्श तिवारी जी को एंड सुब्रतम मैती जी को एंड लास्ट वन सूर्यांश गेमर जी को। सो भाई लोग, आप लोग को मेरी तरफ से प्यार भरा शाउट आउट। इसी तरह आप लोग मुस्कुराते रहिए और अपना प्यार हमारे पर बरसाते रहिए। भाई लोग, आप ही लोग हैं हमारे जनता जनार्दन एंड सुब्रतम मैती जी। अगर मैंने आपका नाम थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस कर दिया होगा तो उसके लिए माफ़ी, उसके लिए क्षमा याचना। तो गाइस चलिए हम लोग वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और जो अपना स्टोर है उसको हम लोग करते हैं ओपन। अब बस हम लोग को यही काम करना है कि देखना है कि हमारी कितने की अर्निंग हो रही है। अच्छी खासी अर्निंग होगी तो मज़ा आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे टोटल जो हमारा फ्रीजर है उसको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अभी हम लोग फिलहाल लॉस में ही चल रहे होंगे, तो जो हमारा कवर हो जाएगा उसके बाद ही मैं यहाँ पे एक फ्रिज और एक फ्रीजर को यहाँ पे ऑर्डर करूँगा, उसके बाद देखते हैं। वैसे भरा भरा हमारा आइटम कितना अच्छा लग रहा है यार, हम लोगों ने यहाँ पे दो दो कॉपी को ऑर्डर किया है, मज़ा आ रहा देखने में। कोई आ क्यों नहीं रहा भैया जी? हाँ आओ आओ आओ, पूरा आइटम है पूरा। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता कि हम लोग ये सामान को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। भाई टोटल आइटम हम लोग लगा दिया है। और अपडेट के बाद जो ये है हमारा जो शहर है उसमें गाड़ियाँ जो है अब अच्छी खासी यहाँ पर रन करने लगी हैं। अब जो पहले वहाँ पर स्टक होती थी ना वो हट गया है, अब अच्छा खासा अब लोग चलते हैं और धक्का ले जा और धक्का देते हैं भाई हम लोग को। मैं सोचा कि इस गाड़ी के मैं आर पार हो जाऊंगा, लेकिन नहीं, ये तो मुझे अपने साथ ले गया यार, हद नौटंकी है। और प्राइस से मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है, जो प्राइस हमने लास्ट टाइम रखा था वही से प्राइस हम लोगों ने रखा हुआ है। शायद प्राइस की वजह से हमारी अच्छी खासी अर्निंग हो रही होगी, ये भी सही है। आए देखिए हमको लेके जाएगा,
कहाँ भैया कहाँ लेके जा रहे हो तुम हमको, छोड़ दो यार फ्री का राइड करा देता हम लोग को ये लोग। अब बढ़िया, वहाँ जाऊँगा ना तो गाड़ी के आगे आ जाऊँगा और हम लोग को यहाँ लेके छोड़ देगा। ये ठीक है ना अंकल जी? हेलो, एक्सपेंसिव नहीं है अंकल जी, आप क्यों नहीं समझते हो? हमको भी तो अपना पेट चलाना है, कहाँ गए? आपका तो पेट चल रहा होगा। हेलो भैया जी, एक काउंटर हम लोग ले लेके आए यार, मजा आएगा। कहाँ गया हमारा कंप्यूटर? बार बार मैं भूल जाता हूँ यार कि हमारा कंप्यूटर कहाँ चला गया। हायरिंग कैशियर वन, शायद वही वाला है, तो कैशियर वन को ही मैं हटा देता हूँ। चलिए यहाँ पर है। ओ भाई, ए भाई, ये गायब हो गया यार चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं हम लोग। अरे भाई साहब, इतना सारा आइटम ले जाती हैं भाई ये सब लोग, मज़ा आ गया। कितना? 67 चेंज देना है आपको। 132 का इन्हें लिया है भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई। 5 6 5 3 7, अरे यार बस यही जो चेंज का लफड़ा होता है ना, ये मज़ा नहीं आता बस। ठीक है, फटाफट से करते हैं तुम लोग का चेकआउट। कितना? $0, कोई बात नहीं, हमें आप लोग चेंज दोगे सबसे अच्छी बात है। कितना? $1, जाइए टाटा बाय बाय, 10 लोग को साथ में लेकर आइएगा। ठीक है, और अंकल जी यार यहाँ पे पेंटिंग भी आ जाता, मज़ा आता। अभी काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट में आनी बाकी हैं, बस एक आइटम, इससे क्या होगा जी आपका? ऐसा थोड़ी होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड को लेकर नहीं आ रहा यार, बंद कर दिया क्रेडिट कार्ड सिस्टम। अंडा खाओ अंडा। ओ भाई ले, दे भी दिया हम लोग को 78.50। चलिए टाटा बाय बाय। ओ भाई इतना सारा आइटम है यार, अरे और भी रहता है यार, अब तो ऐसा होने लगा है 127। अरे भाई साहब, चलिए इसी बहाने हम लोग को पता चल जाएगा कि मैक्सिमम हम लोग कितना का सेल कर रहे हैं। ओ भाई और आइटम आ गया, और ले आओ यार, अरे और लेना चाहिए था ना। 110 और 0.14, चलिए ठीक है जाइए। जूस एप्पल ख़त्म ख़त्म हो गया होगा भाई, हमने मंगाया था। इतना फटाफट से सामान हमारा ख़त्म हो रहा है। अब भाई 6,800 रही यार, ऐसा लूट जाएगा ये तो। ओ भाई साहब मज़ा आ रहा है, इससे क्या होगा ना कि हम लोग का जो चेकआउट वाला है टास्क वो भी हमारा कंप्लीट होता रहेगा। कितना चाहिए? 94, 5 25 10, कितना? 94 है, सॉरी जाइए 94 सेंट्स। पैसा वैसा छोड़ दिया करो यार, गजब ना आप लोग हो। 137 भाई, चलिए ठीक है जाइए। हेलो आंटी जी, अरे बाप रे बाप, आपने इतना शाला आइटम ले लिया है आज, अरे गजब आंटी जी, 127 डॉलर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी। बस ये हो गया ना कि हम लोग लाइट ऑन नहीं किया यार, अब मैं यहाँ से कूद काट के जाऊँगा लाइट ऑन कर। ये गलत है, मैं काम करता हूँ ना, यहाँ वाले के एम्प्लॉय को बुलाता हूँ यार, तू जा है? आ जा भाई। और तुम हैं? अरे वहीं क्यों आ रहे हो तुम आ गए, ठीक है। हाँ अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मेरा कुछ पैसा खत्म हो गया क्या फालतू का? ठीक है चलो कोई बात नहीं, उसको हम कवर कर लेंगे। लाइए सर जी क्रेडिट कार्ड 0.62, जाइए। अरे हम लोग बहुत प्रो हो चुके हैं, ठीक है टेंशन नहीं लेने का। अरे भाई साहब गजब ना, ये लोग आइटम लेते हैं यार, ये लोग तो हम लोग एक दिन में अमीर कर देंगे यार, बस ये करते नहीं ये लोग। 154 मैक्सिमम मैंने अभी यहाँ पे ये देखा, 154 डॉलर, चलिए ठीक है। हैं ये क्या ले रहे हो अंकल जी, इतना कम आइटम हमारे स्टोर से? कितना मैडम जी? 117.12, थैंक यू।
अरे भैया जी गजब, आप तो संभाल लेते हो यार। वोट का आज तो पार्टी चलेगी सारी रात। $0 जाइए। 70.20। ठीक बा, टाटा बाय बाय। अरे भाई, अरे यार 9 बजिया, मुझे लाइट को ऑर्डर करना था। कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट डे हम लोग कर लेंगे। कितना? $7 बस। 9 बजिया यार, सारे कस्टमर चले गए क्या? इधर भी हैं सब लोग। $1 चेंज। ठीक है, $60 का आपने किया, मज़ा आ गया। हेलो भैया जी, सॉरी अंकल जी। 34.78। टाटा बाय बाय। भाई निकलने को तो हम यहाँ से भी नहीं निकल पाएंगे यार, कूद के तो हमको यहाँ से भी जाना पड़ेगा। अच्छा ओ भाई, अभी तो हैं यार यहाँ पे। आइए आइए अंकल जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गैप छोड़ दिया इसीलिए कि लोग यहाँ से आवन जावन अपना लगा सकें। अभी भी इतना आइटम है हमारे पास, गजब। हमारे पास हो गया है 11,456 डॉलर। लगा अपडेट कर दूँ क्या, देखता हूँ। अच्छा ही, मैं ये डे हमारा ख़त्म हो जाए उसके बाद ट्राई करते हैं। तुम तो कल फंस गए थे ना, सही हो गया आज। आखिरी कस्टमर भी हमारा चला गया है। चलिए ठीक है, अब हम लोग करते हैं अपने डे को एंड। प्रॉफिट में आ जा भाई, गलती से ही नहीं आएगा सर। 2,810। चलिए ठीक है, मैं सोच रहा हूँ अपग्रेड कर दूँ, लेकिन फिर से हम लोग माइनस में ही चल जाएंगे यार। भाई मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको अपग्रेड कर दूँ $11,000 का। हमारे पास उतना तो आ ही गया है। 11,000 डॉलर ये है, फिर रिक्वायर्ड ये 31, 37, 40। हमारे इतना तक तो हो ही गया यार, लेकिन इतना पैसा नहीं हुआ अभी तक। ये 24,600। चलिए ठीक है, अभी मैं इसको कर ले रहा हूँ, उसके बाद हम लोग सारा का सारा पैसा पर ध्यान देंगे। तो हम लोग चलिए करते हैं इसको अपग्रेड। 3, 2, 1, बूम। बस अब देखे कि ये कहाँ पे हमारा स्टोर बड़ा हुआ, छोटा हुआ, क्या हुआ, कुछ तो बताओ यार। कहाँ, कुछ कहाँ से हुआ भाई, स्कैम हो गया क्या मेरे साथ? ओ भाई ये रहा। ये और बड़ा हो गया भाई, ये देख रहे हैं भाई लोग, आप लोग ये इधर और आ गया। अरे भाई साहब, ये कहाँ लेके जाएगा भाई? मुझे लगा कि ऊपर पहुंचा देगा, लेकिन नहीं, हम गलत हो जाते हैं हमेशा। आहा, चलिए तब इसको हम लोग ऐसे रख देते हैं भाई, इधर ही आ जाओ तब। ठीक बा, तुम भी आ जाओ। चला भैया, ये रहा हमारा फ्रिज वाला सेक्शन, इधर कर देते हैं। इसको भी कर दे क्या हम लोग? हो जाओ, इधर ही हो जाओ, क्या करोगे, अभी तुम यहीं पे हो जाओ। चलो अच्छा, तुम यहीं पे हो जाओ, उसके बाद देखता हूँ मैं। अब मेरे को फिर से कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, चलिए। और हमारा आधा जो सामान यहीं पे रखा हुआ था, बहुत सारा सामान हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया था। कम होगा तो हम लोग लगा देंगे, कम तो खैर हो ही रहा। अब कस्टमर्स लोग आए, अभी हमारे पास $501 बचा हुआ है। कोई बात नहीं भाई, हम लोग आराम से $10,000 आराम से बना लेंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। बस खेलना पड़ेगा, यही समस्या की बात है। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। ये हमारा स्टोर और यहाँ पे बड़ा हो गया भाई, ये खींचते तानते ना हम लोग को यहाँ तक ले जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। पूरा यहाँ तक हम लोग खरीद लेंगे, इससे बढ़िया ऊपर खोल देता यार, तो और मज़ा नहीं आता, मज़ा ही मज़ा आ जाता। खैर कोई नहीं, थोड़ा पैसा आ जाए तो उसके बाद मैं एक फ्रीज़र को परचेज करता हूँ और एक फ्रिज को। तब हमारा जो आइटम है ये डबल वाला ही परचेज करूँगा, तब जाके हमारा टोटल आइटम आ पाएगा। सेल्फ का तो हो गया है, बस जो बचा हुआ है फ्रीज़र का ही बचा है। कुछ कुछ आइटम्स हमारा जो है बाहर रह जाता है। स्टोरेज में क्या क्या है भाई? इसको लगा देता हूँ मैं, फालतू खाली पड़ा हुआ है।
किधर थे भैया? ठीक है जाइए। अरे यार ये तो मैं भूल गया, कोई बात नहीं वापस से मैं आ जाता हूँ। 55.08। ठीक है दीदी जी, क्या आपने को नहीं मिला चीज़? अभी बहुत सारा आइटम ख़त्म हो गया, थोड़ा ठंड रखिए ठंड, अभी आपको सब मिलेगा। पूरा का पूरा सामान भरा रहता है ना, इतने सारे कस्टमर्स लोग आते हैं ना कि मज़ा आ जाता है भाई। कितना? $5। चलिए ठीक है, 39.12। बहुत बढ़िया अंकल जी, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप शॉपिंग करते रहो। और हमारा जो शॉप है वो आसमान की ऊंचाइयों पर छू जाएगा, वो आसमान की ऊंचाइयों को छू जाएगा भाई। आसमान की ऊंचाइयों को छूने के बजाय जो सरक रहा साइड साइड से, गजब है भाई गजब। ये बात, इतना सारा आइटम ले जाओ भाई तब मज़ा आए। कितना कर लिए? 51। और थोड़ा सा महंगा करो। सो गाइस, एक एम्प्लॉय को बुलाने का समय आ गया, क्योंकि मुझे अभी और भी सामान को लगाना है इसलिए। चलो ठीक है, $100 हमारा कट जाता है यार, कोई बात नहीं, चलो लगा देगा। क्या क्या ख़त्म हो गया भैया? चलो लगा ही देते हैं, फालतू हमारा स्टोर में पड़ा ही हुआ है तो। और क्या है, इसको भी लगा देते हैं। तो गाइस, स्टोरेज में से हम लोगों ने काफ़ी सारा सामान इसमें निकाल के लगा दिया है, और कुछ कुछ बचा हुआ है जिसको हम लोग बाद में लगा देंगे। और ये हमारा, इसका ये बिक नहीं रहा यार, इसका मैं क्या प्राइस करूँ? कुछ ज़्यादा प्राइस हम लोगों ने शायद रख दिया इसका, तो इसका मैं 4.50 रख देता हूँ। ये हमारा काफ़ी टाइम से नहीं सेल हुआ, और यहाँ पे ये यार ये भी सेल नहीं हुआ, और मुझे लाइट भी परचेज करना था जो कि हम लोग नहीं कर पाए यार। इसको चलो हम लोग $6 कर देते हैं, ये भी काफ़ी टाइम से सेल नहीं हो रहा। बाकी हमारा सारा का सारा आइटम जो है वो कुछ ना कुछ सेल होता ही जा रहा है। तो बस हमारी ये मोहतरमा जी चली जाएँ, और यहाँ से ये चली गई, तो अभी हमारे पास हो चुका $3,375। और कितने की लॉस में चल रहे हम लोग? 56 कस्टमर्स अभी हम लोग के पास आए थे आज, और $8,025 की लॉस में चल रहे हैं यार। चलो ठीक है, अभी हमारे पास इतना सारा आइटम है कि आराम से 5 से 6 हज़ार डॉलर तो हो जाना चाहिए। हो जाना क्या चाहिए, हो जाएगा यार। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो एक फ्रीजर को परचेज करता हूँ, और फ्रिज को, एक फ्रीजर एक फ्रिज भी, ठीक है। और स्पॉटलाइट 1 2 3 4, ये चार मैं परचेज करता हूँ। चलो भाई, ये बड़का वाला फ्रिज जो है इधर, अभी यहीं पे लगो, मैं देखूँगा कहाँ पे लगना है तो उसको मैं लगाऊँगा। ठीक है, ये हो गया। और एक फ्रीजर, आप तो यहीं आएंगे, मैंने पहले सोच कर रखा हुआ था। तो ये लाइन हमारा पूरा हो गया फ्रीजर का, जो कि अब मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। चलिए अभी तो लगे रहिए आप। हो गया, ये लाइट को मैं लगा देता हूँ यार। अब यहाँ पे क्या है ना, थोड़ी सी लाइटें कम हो रही हैं। ठीक है, उधर लग गया, और आप जनाब इधर लगिए। तो ये आप बढ़ते बढ़ते दुकान मेरा पता नहीं कहाँ चला जाएगा। ठीक है, इतना लाइट, ये दो लाइट हम लोगों ने एक्स्ट्रा मंगा लिया क्या? कहीं भी लग जाओ, दुकान को चकाचौंध कर दो। और एक इधर लग जाओ। ठीक है, अरे नहीं, यहाँ निकलो और यहाँ पे लग जाओ।
हाँ अब थोड़ा ठीक है क्योंकि लाइट अच्छा देगा उधर साइड में, और यह जो एम्प्लॉई है यहाँ पर लाइट बिल्कुल आता ही नहीं था, अंधेरा था, तो अब आएगा लाइट। लाइट ऑन करके देख लेता हूँ। आ तो रहे हो लेकिन थोड़ा सा और इधर हो जाते तो ठीक रहता। हाँ अब ठीक है, अच्छा खासा लाइट आ रहा है। मैंने दुकान क्यों बंद रखा है भाई, भूल जाता हूँ कभी कभी। मैंने योगर्ट वैसे चेक नहीं किया यार, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, बहुत बढ़िया यार। ये जल्दी हमारा ख़त्म नहीं होता था योगर्ट, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन इस बार तो हो गया यार। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। सो भाई लोग, हम लोगों ने अपने स्टोर को आज एक और लेवल एक्सपेंड कर दिया है, जिसकी कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ से अपग्रेड होगा यार, कि वो यहाँ से एक्सटेंड होगा। मुझे लगा कि यार ऊपर पहुँचा देगा हम लोग को, सीढ़ी लगा ऊपर पहुँचा देता यार, सीढ़ी तो यहाँ लगा ही हुआ है, एक और सीढ़ी लग जाता, क्या दिक्कत था। खैर कोई नहीं, ये भी अब बढ़िया ही है क्योंकि हम लोग का ये खींचते तानते दूर तक ले जाएगा, तो मज़ा आएगा। सो और हम लोगों ने नया फ्रिज को भी ऑर्डर कर लिया और फ्रीज़र को भी ऑर्डर कर लिया है, और आज हम लोगों ने दो दो कॉपी को ऑर्डर किया, जिससे कि हमारी जो इनकम है मेरे ख्याल से थोड़ी सी तो बूस्ट तो हुआ ही हुआ है। चलिए बढ़िया है, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग और ट्राई करेंगे। अगला वाला कितने का हो रहा है भाई, वैसे मैं ग्रोथ में अभी स्टॉप करने वाला हूँ क्योंकि उतना पैसा भी हमारे पास हो नहीं पा रहा है। ग्रोथ कितने का हो रहा है अब 16,500। वैसे करने को तो कर सकता हूँ लेकिन फिर हमारे सामान के लिए पैसा नहीं बचेगा। और ये 42 पे हमारा जो अनलॉक होने वाला है 5,600 पे, अब मुझे ये चाहिए, तब जाके हम लोग सेल्फ को परचेस करेंगे। सो आई होप कि गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ भाई आप लोग अपना सपोर्ट हमारे पर बनाए रखिएगा। तो गाइस चलिए, तो गाइस आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग ऐसे मज़ेदार मज़ेदार वीडियो इस लेकर के आते रहते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।